हर साल की तरह इस बार भी भारतीय सेना अपने मित्र देशों की सेना के साथ ज्वाइंट सैन्य अभ्यास कर रही है। आज 30 सितंबर से उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ के ओली में भारतीय सेना और कजाकिस्तानी सेना के जवानों का संयुक्त युद्ध अभ्यास शुरू हो गया है। इस संयुक्त युद्ध अभ्यास का समापन 13 अक्टूबर को होगा। इस मौके पर संयुक्त अभ्यास के उद्घाटन समारोह में कजाकिस्तान की टुकड़ी के कमांडर कर्नल करीबायेव नूरलान सेरिकबायेविच, साथ ही कजाकिस्तान कॉन्टिजेंट और कर्नल योगेश उपाध्याय कमांडर भारतीय कॉन्टिजेंट ने भाग लिया। बता दें कि भारतीय सेवा के जनसंपर्क कार्यालय के मुताबिक यह भारत और कजाकिस्तान के बीच में 8वां ज्वाइंट सैन्य अभ्यास है, जिसे काजिंद नाम दिया गया है। इस अभ्यास के लिए बीती 28 सितंबर को कजाकिस्तान आर्मी का एक डेलीगेशन दिल्ली में लैंड हुआ था, जो कि कल यानी 29 सितंबर को ज्योतिर्मठ पहुंचा। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट।